आज हम हेलो हेलो स्टूडेंट, आज हम समझेंगे कि कैसे ऑटोकैड को कोई ऑटोकैड में किसी स्ट्रक्चर की आपके पास अगर कोई ड्राइंग है तो उसको हम स्टैड प्रो में मॉडल बनाने के लिए कैसे इम्पोर्ट करें। ऑटोकैड का जो प्लान है उसको हम जब इम्पोर्ट करेंगे स्टैड प्रो में तो हमें प्लान ही मिलेगा, ना कि 3D मॉडल मिलेगा। फिर उस प्लान को हमें ऑटोकैड स्टैड प्रो में ही काम करना होगा। तो जो आपके पास प्लान होता है वो स्ट्रक्चर ड्राइंग जो होती है उस पर इस तरह से डबल लाइन से प्लान बना होता है। डबल लाइन से इसलिए बना होता है जो हमें बीम की विड्थ दिखाता है, ठीक है। बट जो स्टैड प्रो है उसमें सिंगल लाइन में स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। जब उसको हम प्रॉपर्टी क्रॉस सेक्शन देते हैं तब वो 3D बनता है, वरना वो सिंगल लाइन में पूरा स्ट्रक्चर हमारा बनता है। तो अब सिंगल लाइन में स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें प्लान भी सिंगल लाइन में चाहिए इंपोर्ट करने के लिए। तो हमें प्लान इसकी कौन सी लाइन को हम कौन सी लाइन को हम ले जाएं स्टैड प्रो में, तो क्योंकि ये पूरा बीम है, ये आपका बीम है, तो हम इसकी सेंटर लाइन को हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो सेंटर लाइन के लिए हमें सबसे पहले इसकी सेंटर लाइन बनानी होगी। तो सेंटर लाइन प्लान बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले आप लेयर में जाइए, एल ए लेयर, एक न्यू लेयर बनाइए, उसका नाम डाल दिया मैंने स्टैड। उसको एक्टिवेट कीजिए, चाहे तो उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक छोटी सी लाइन बनाता हूं। लाइन किस लिए बना रहा हूं मैं जल्दी से, कि मुझे सेंटर पॉइंट मिल जाएगा इसका, क्योंकि हमें अगर माउस इस लाइन के ऊपर ले आता हूँ ट्राइंगल में जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, ये सेंटर लाइन सेंटर पॉइंट है, ठीक है। फिर इनफ्लाइट लाइन के लिए कमांड होता है एक्सेल, मैंने इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक किया और मैंने नीचे की ओर यहाँ क्लिक कर दिया। अब मैं सी ओ कॉपी करूंगा इस सेंटर लाइन को और फिर एंटर करके इसे कॉपी करूंगा, दिस विड्थ की डिस्टेंस से यहां से कॉपी करूंगा, इसे उठाऊंगा यहां से, कॉपी तो ये लाइन की है, जिससे बस मेरे को है ना यहां मैं रखता जाऊंगा, इस लाइन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में कॉपी होती जाएगी। तो सारी वर्टिकल लाइन हमारी कॉपी हो गई। अब इसी तरह से मैं एक छोटी सी लाइन बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल बीम में और एक्सेल कमांड लूंगा, इसके सेंटर पॉइंट को लूंगा और यहां पे मैं लाइन बना दूंगा। फिर सीओ कमांड, इस लाइन को कॉपी करूंगा और यहाँ इस डिस्टेंस से, और फिर इन हॉरिजॉन्टल बीम में केवल ऊपर की एज पे मैं क्लिक करता जाऊंगा और सेंटर लाइन बनती जाएगी, ये बन गई, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ट्रिम कमांड यूज करूंगा, ठीक है। अब यहां से मैं ट्रिम कर दूंगा, टी आर सिंगल एंटर वाला ले लेते हैं, सॉरी टी आर एंटर, ये दोनों लाइन सेलेक्ट करी। अब इससे जो भी लाइन हमारी बाहर जा रही होगी वो कट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल प्योर हो गया है। अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं इसको ठीक, आपकी मर्जी आप कैसे भी कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे जाके ऐसे जाएगी ना कि सीधा जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये बीम ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब ये इरेज होगा, ये इरेज होगा, ये इरेज होगा और आपका ये इरेज होगा, ठीक है। ये ऐसे जाएगी और यहाँ पर भी ये दोनों चीज़ें जल्दी फटाफट हम कर देते हैं, जो भी लाइनें एक्स्ट्रा जा रही हैं। फिर और लाइन जो एक्स्ट्रा है उनको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सॉरी ये हमें केवल इसकी ज़रूरत नहीं। तो लगभग सेंटर लाइन बन चुकी है, अब ये एक्स्ट्रा लाइन जो है इनको इरेज कर देंगे। ठीक है, कुछ लाइनें मेरे से डिलीट हो गई हैं, मेन स्ट्रक्चर है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। ये हो गया, तो येलो कलर की लाइन जो है वो सेंटर लाइन है, यहाँ की लाइनें मेरे से इरेज हो गई जल्दीबाजी में, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ की लाइन की, क्योंकि अभी तो मैं केवल बता रहा हूँ आपको ये लाइन हमारी इरेज हो गई है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूंगा, लेयर में जाऊंगा और केवल ये वाली लेयर को एक्टिवेट करूंगा और सबको हाइड कर दूंगा जिसमें मैंने सेंटर लाइन बनाई है। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास सेंटर लाइन मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, डब्ल्यू ब्लॉक से इसको ब्लॉक बना लूंगा, इससे एरर कम आते हैं, केवल ये इसलिए है, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ये सेव करने के लिए आ रहा है, इसको मैं
डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है, न्यू ब्लॉक नाम से सेव है। ओके ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ डेस्कटॉप पे जो फाइल है, न्यू ब्लॉक, ये रही, ठीक है। अब मैं इसको सेव एज करता हूँ DXF फॉर्मेट में, कोई सा भी आप DXF ले लीजिए, यहाँ से इतने सारे दिए हुए हैं डेस्कटॉप पे न्यू ब्लॉक नाम से, ठीक है। डेस्कटॉप पे हमारे दोनों फाइल हैं, न्यू ब्लॉक नाम से आपका DWGV और न्यू ब्लॉक नाम से आपकी DXF भी। अब मैं स्टैट प्रो ओपन कर रहा हूँ, स्टैट प्रो में न्यू प्रोजेक्ट ले लीजिए, ठीक है, फिर यहाँ फाइल में जाइए, इंपोर्ट 3D DXF, क्लिक, डेस्कटॉप पे जाएंगे, ये आपका DXF फॉर्मेट, इसको ओके करेंगे, वाई अप रखते हैं हम, ठीक है, इसमें वाई हाइट होती है और यूनिट मीटर में रखते हैं, देखिए ये आ गया, ठीक है। अगर आप शिफ्ट के दबाएंगे तो नोट भी दिखाने लगेगा। अब मैं एरर्स बता देता हूँ, जब आप बना रहे हो तो कुछ एरर्स आएंगे। आपने बहुत बड़ा एक प्लान, ये तो सिंपल प्लान था, आपने एक बहुत बड़ा प्लान आपने बनाया और इंपोर्ट किया, कोई एरर नहीं आया लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। होता क्या है, मान लो आपने ऑटो कैड में कोई प्लान बनाया और कहीं दूर एक कोई लाइन है, ये लाइन आपको दिख नहीं रही और आपने ड्रॉइंग क्या इंपोर्ट करोगे तो ये इस लाइन को और इस स्ट्रक्चर को दोनों को सेंटर में लाने की कोशिश करेगा जो दोनों दिखे आपको। अब वो इतनी दूर होंगे स्पेस में कि वो दिखेंगे नहीं, तो आप ए कंट्रोल ए करोगे तो आपको दो चीजें सिलेक्ट होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अब कंट्रोल ए होने के बाद दो चीजें सिलेक्ट हो तो आप समझ जाओगे कुछ एक्स्ट्रा लाइंस आ गई हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जो प्लान आप बनाओगे अलग लेयर में उसको सिलेक्ट करके डब्ल्यू ब्लॉक से आपको उसको ब्लॉक बना लोगे तो उससे एरर कम आएंगे, ठीक है। ऑटो कैड में कहीं भी कोई डॉट भी लगी होगी तो उसकी वजह से यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि वो सारी ड्राइंग को सेंटर में लाना चाहता है और एक लाइन बहुत दूर है तो इसकी वजह से ये दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक। डब्ल्यू ब्लॉक करके उसे अलग से ओपन करोगे और तब इसमें करोगे तो इसमें आ जाएगा। अब आप इसमें जो काम चाहे करना कर सकते हो। इसमें कितने मेंबर है, शिफ्ट और बी से अगर बीम नंबर देखूं तो ठीक है, शिफ्ट एन से नोड नंबर देखूं तो ठीक है। एक बार इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे टूल्स में जाके चेक डुप्लीकेट नोड्स कर लेना है, टॉलरेंस जीरो नहीं है, ये बहुत बड़े प्लान में एरर आती है, चेक डुप्लीकेट बीम मेंबर्स ये भी नहीं है, ठीक है। और एक बार पूरा सिलेक्ट करके एडिट में जाके आप, सॉरी इसमें ज्योमेट्री में जाके आप इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर भी कर लोगे, ये टॉलरेंस जीरो। तो ये तीन चीजें आपको करनी है, चेक डुप्लीकेट नोड्स, चेक डुप्लीकेट मेंबर्स, सिलेक्ट इंटरसेक्टेड नोड्स, और आपका प्लान बिल्कुल बढ़िया तरीके से विदाउट एरर आपके स्टैट प्रो में दिखाई देने लगेगा। अगर आपको कोई भी और दिक्कत आ रही है तो मेरे को स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हो आप उस चीज का, और या कमेंट भी कर सकते हो यूट्यूब में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।